मेरी तरफ से फैक्टफुल टीवी में आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कोयले से कितनी बिजली पैदा कर सकता है? नाज़रीन, पाकिस्तान खुदा का दिया हुआ तोहफा है जिसे कुदरत ने हर वसाइल से माला माल किया है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की अयाशियों और मुल्क दुश्मन फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है और बिजली जैसी लोड शेडिंग परेशानियों का शिकार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर के बारे में ऐसे हकाइक जो कोई नहीं जानता। नाज़रीन, पाकिस्तान कोयले के ज़खायर का बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान में दुनिया का 33% कोयला पाया जाता है। कोयले के ज़खायर के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 20वां और कोयले की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 34वां और कोयले को इस्तेमाल करने के लिहाज से दुनिया का 38वां बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर टोटल कोयला के ज़खायर करीबन इस वक्त 3,337 मिलियन टन हैं और सालाना इस्तेमाल होने वाला कोयला करीबन 10 करोड़ 19 लाख टन है, जिसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान अगर कोयले से बिजली बनाना शुरू कर दे तो पाकिस्तान करीबन 331 साल तक बिजली बना सकता है और कई मुल्कों को बिजली फराहम भी कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, चाइना जो पाकिस्तान में हर तरफ इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी एक ही वजह है क्योंकि पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर इतने ज्यादा हैं कि कोयले से पैदा करके बिजली पाकिस्तान पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है। पाकिस्तान हर वो चीज सस्ते कोयले से पैदा कर सकता है जिसे बनाने के लिए पाकिस्तान को महंगा तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से पाकिस्तान इस कोयले से फायदा नहीं ले पा रहा। अगर आप भी चाहते हैं तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए और मुल्क पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बन जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।